नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्रिकेटर ऋषभ पंत एक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर हैं और डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी भी हुई। एक्सीडेंट भयानक था, यूं समझिए गाड़ी का कचूमर निकल गया। अगर आप विजुअल्स आपने दिन भर देखे होंगे, कचूमर निकल चुका है गाड़ी, वो भी उस गाड़ी का जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में यह एक्सीडेंट कितना खतरनाक था। बाल बाल बच जरूर गए ऋषभ पंत, लेकिन इससे क्या मायने निकाले जाए। एक्सीडेंट कितनी बड़ी आपदा मुसीबत बन चुकी है इस देश में, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या गाड़ियां इतनी महफूज बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये तो फिर भी मर्सिडीज थी। आप सोचिए, सब गाड़ी इस तरीके की नहीं होती। ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अगले आधे घंटे में हम इस पूरी कहानी में और इस कहानी के सारे पहलुओं के बारे में बात करेंगे, और साथ में एक गुजारिश भी रहेगी भगवान से, गेट वेल सून ऋषभ। तेज रफ्तार से सड़क के डिवाइडर से टकराती इस गाड़ी की खौफनाक तस्वीरों ने दिसंबर के आखिरी शुक्रवार को और भी दुखद और भयावह बना दिया। रुड़की के पास नारसन बॉर्डर के पास हुए हादसे से भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बाल बाल बच निकलना एक करिश्मे जैसा ही है। BCCI ऋषभ और उनके परिवार के संपर्क में है और उसने इस दुर्घटना को लेकर अहम जानकारियां दी हैं। ऋषभ पंत का प्रारंभिक इलाज सक्षम अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी और ट्रॉमा सेंटर में हुआ। ऋषभ के सर पर दो चोट हैं। दाहिने घुटने का लिगामेंट टेयर है, दाहिनी कलाई और अंगूठे के अलावा घिसटने की वजह से पीठ पर चोटें हैं। पंत को बाद में देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उस वजह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब्जी जैसे मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। एक बस ड्राइवर ने ऋषभ पंत को अस्पताल पहुंचाया। वो ऐसा अंगड़ाई ही लेके खड़ा हुआ है। मैं भाग के उसकी कॉन्शियस हो गया था थोड़ा। मैं भाग के फिर उसके पास गया। मैंने पूछा, भाई साहब इसके अंदर कोई और भी है क्या, कोई यात्री है क्या? बोला नहीं। मैं कौन ड्राइव कर रहा था? बोला मैं तो खुद ही ड्राइविंग कर रहा था। मैंने फिर भी नहीं विश्वास किया मैंने उसको। अच्छा। मैंने फिर उस गाड़ी के चारों तरफ फिर देखा। मैंने देखा ये ठीक है, हमारे यात्री ने साथ दिया। अच्छा। वहाँ तो लोकल आदमी कहते हो ये तो इंडिया में कुछ भी कहते रहे कि ये हो गया, कुछ नहीं था। सिर्फ जो यात्री थे ना हरियाणा के आदमी ने जान बचाई है। हमने देखा जी यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा था। हाँ। तो भाई बाहर निकले हुए पड़े थे गाड़ी से, तो हमने देखा उन्हें पूछताछ की भाई कैसे हुआ। हाँ। तो बोलने लगे भाई नींद आ गई, नींद की झपकी लग गई थी। पुलिस को बताया, 102 एम्बुलेंस को भी कॉल किया, एम्बुलेंस आई, हम हॉस्पिटल लेके गए भाई को। सक्षम हॉस्पिटल जी। हम इस वक्त दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मौजूद है, जहाँ पर ऋषभ पंत की गाड़ी एक डिवाइडर पर टकराई और डिवाइडर पर टकराने के बाद उस पर आग लग गई और उसके बाद जो गाड़ी की विंड स्क्रीन है उसको तोड़कर ऋषभ पंत एस्केप कर पाई। ये देखिए यहाँ पर ये जो डिवाइडर रेलिंग है, पूरी टूटी हुई डिवाइडर रेलिंग है और साथ ही में ये आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी के टुकड़े हैं, टूटे हुए टुकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी पर पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और वहाँ पर ऋषभ पंत गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़कर किसी तरह बाहर निकल पाए। पुलिस का ये कहना है कि वो बहुत फॉर्चुनेट थे, लकी थे कि वो सर्वाइव कर गए, क्योंकि पूरी तरीके से गाड़ी चार्ड हो चुकी थी, पूरी तरीके से गाड़ी जल चुकी थी। ऋषभ पंत के लिए हाल के दिन क्रिकेट के मैदान पर भी अच्छे नहीं रहे हैं। उनको हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया और इसे लेकर विवाद भी हुआ। उन्हें चोट से उभरने के लिए बेंगलुरु के NCA में पहुंचना था, जिसके पहले वो अपनी माँ को सरप्राइज देने रुड़की जा रहे थे। लेकिन 25 साल के ऋषभ का सभी फॉर्मेट में बेहद शानदार रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड इस बात का इशारा है कि भारतीय क्रिकेट इस स्टार खिलाड़ी की दुर्घटना नहीं सह सकता।
उनके फैंस दुआएं कर रहे हैं कि उनकी इंजरी ठीक हो और वो जल्द मैदान पर लौटकर अपना जलवा बिखेरे। इस समय वो मैक्स देहरादून में भर्ती है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, उनके MRI और बाकी तमाम स्कैन हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि उनका जो लिगमेंट है राइट नी का उसमें चोट आई है और उनकी रिस्ट में, उनके अंगूठे में उसमें भी चोट आई है और फ्रैक्चर उन्होंने अपना किया है कि नहीं लेग, वो अभी भी बाकी है पता चल पाना, क्योंकि अभी MRI स्कैन के बाद ही ये चीज़ असर्टन हो पाएगी कि उनके उनको उनके राइट लेग में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं। फिलहाल पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और फील्ड पर वापस उतरें। रुड़की में कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। आप देख रहे हैं जो गाड़ी पीछे थी, ये ऋषभ पंत की गाड़ी थी और ये है मर्सिडीज GLE 4MATIC कूपे, मतलब 43। ये ऐसी गाड़ी है कि आप ये समझिए करोड़ अरोड़ की आती है, आप हम लोगों के लिए तो सपने बराबर है। लेकिन ये कितनी सुरक्षित है, इसमें कितने सेफ्टी फीचर्स हैं, और जिस गाड़ी का इतने सेफ्टी फीचर्स होने के बाद भी कचूमर निकल गया हो और उसके बाद भी अंदर लंबी उम्र दे भगवान ऋषभ पंत को, वो जरूर, उनको अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन आप सोचिए अगर ये किसी और कंपनी की गाड़ी में हुआ होता या कोई जो क्रैश टेस्ट जो होता है उसमें उस तरीके की जो कंपनियां हैं जो कि पास नहीं होती हैं उनकी गाड़ी होती तो क्या हश्र होता। इसीलिए आइए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसको कहते हैं यूरो एनकैप टेस्ट। क्या है ये तस्वीर, ये है आपके स्क्रीन पर, हमने चला दी है तस्वीर। अब आइए फुल फ्रेम जाते हैं इस पर और आपको बताते हैं, ये एक एनकैप टेस्ट होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि गाड़ी अगर क्रैश करेगी तो उसमें कितना वजन है, क्या वो ढंग से इंपैक्ट झेल पाएगी या नहीं। यूरो एनकैप फिर रेटिंग देती है 5 स्टार। तो ये पहले सामने से क्रैश हुआ, आप देख सकते हैं सबने अंदर सीट बेल्ट पहनी हुई है और इस गाड़ी में जब थे तो हर जगह से कर्टेन निकल आए और जब कर्टेन निकले तो जो लोग अंदर थे वो बच गए, गाड़ी का आगे का हिस्सा डैमेज हुआ। ये दूसरा शॉट है जिसमें एकदम आ करके फुल फ्रंट विद रिजिड बैरियर टेस्ट, गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई और टकराई एकदम सामने, तब एयरबैग निकले और गाड़ी में ये सब डैमेज हुआ। अब हमें नहीं मालूम ऋषभ की गाड़ी कितनी तेज चल रही थी, लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर तो नहीं ही चल रही थी, तो अगर 50 पे चलती तो ये आलम होता गाड़ी के अंदर, थोड़े बहुत परखच्चे जरूर उड़े, कुछ कुछ चीजें जरूर उड़ी, लेकिन आप देख रहे हैं पीछे का हिस्सा गाड़ी का बी पिलर ऑनवर्ड्स वो इंटैक्ट है। ये साइड से अटैक हुआ, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर साइड मोबाइल बैरियर टेस्ट है गाड़ी का, जिसमें साइड से जब अटैक हुआ तो कोने वाला कर्टन खुला और जब वो कर्टन खुला तो पीछे बैठे वाले और साइड में बैठे वाले लोगों को कम चोटें आई। ये एक और टेस्ट होता है जो किया जाता है, इसे कहते हैं साइड पोल टेस्ट, कोई नुकीली चीज आकर के गाड़ी में अगर लगे तो गाड़ी में कितनी क्षमता है कि वो इसको बचा ले जाए अंदर पैसेंजर्स को, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं। या इसीलिए देखिए ये जो 6 एयरबैग लॉन्च करने की बात हो रही है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस सब टाइप के जो क्रैश होते हैं वो एक एयरबैग से नहीं काम चलेगा। ये है पेडेस्ट्रियन हेड इंपैक्ट, कि अगर किसी का सिर आके टकराए, या अपर लेग इंपैक्ट, लोअर लेग इंपैक्ट, कि इंसान अगर टकरा रहा है तो क्या होगा। अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फीचर होता है कि चलते चलते अगर आपको अंदाजा नहीं हुआ और सामने एक गाड़ी एकदम से रुक गई तो ये गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा देती है। लेकिन ये 60 किलोमीटर का टेस्ट है, 40 की स्पीड पर अगर एकदम से कोई आदमी आ गया तो एकदम से रुक जाएगी, एकदम से सामने कोई 25 किलोमीटर की रफ्तार पर बच्चा आया तो ये रुक जाएगी, 40 की स्पीड पर रात में कोई आदमी क्रॉस कर गया गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, साइकिल पे कोई चल रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी अपने आप ही रुक जाएगी। लेकिन 40 और 60 की स्पीड में, जैसे कि आपने देखा कंपैरिजन है, वो इस एनकैप टेस्टिंग में बता रहे थे। तो ये ऋषभ पंत की गाड़ी थी जो कि आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग कितने सारे फीचर्स थे, तो ये इतने सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में थे तब इस गाड़ी का कचूमर निकल गया। अब ये जितने टेस्ट हुए हैं ये 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 45 किलोमीटर की स्पीड पर हुए, ऋषभ की स्पीड कितनी थी ये हमें नहीं मालूम, CCTV फुटेज से 40 और 50 की स्पीड तो नहीं लग रही थी, ज्यादा स्पीड थी,
ऐसे में वो रेलिंग पर टकरा करके और उसमें आग कैसे लग गई, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। क्योंकि ये जो फुटेज है इसके हिसाब से तो एक चीज बड़ी साफ हो गई है कि बड़ी बड़ी सेफ गाड़ी बनाई, इसी वजह से इसको उतने सितारे की रेटिंग मिली है। मजबूत गाड़ी है, टैंक टाइप का दरवाजा इसका खुलता है, एक महंगी SUV है। अब आइए आपको बताते हैं अलग अलग आंकड़ों के माध्यम से कि किस तरीके से रोड एक्सीडेंट एक बहुत बहुत बड़ी, आप ये समझिए कि एक इमरजेंसी है इस देश में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो वाकई चिंता पैदा करने वाले हैं। आइए आपको एक एक करके इन आंकड़ों के बारे में बताते हैं। सीधा इसी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, तो 2021 में कुल 4,12,432 सड़क हादसे हुए 2021 में। अब इन हादसों में 1,53,972 लोगों की जान गई, 3,84,448 लोग घायल हुए। देश में औसतन हर दिन 1,130 हादसे होते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड यानी कि सड़क परिवहन जो है और राजमार्ग मंत्रालय की एकदम ताजा रिपोर्ट जो कि आपको ये बताती है कि करीब 422 लोगों की हर रोज जान जाती है इन सड़क दुर्घटनाओं। और क्या क्या बताती है ये रिपोर्ट, अगर इसे घंटों में देखें तो आप ये समझिए कि हर घंटे औसतन 47 दुर्घटनाएं सड़क पर होती हैं और ये बहुत हाई फिगर है। हर घंटे इन हादसों में 18 लोगों की मौत हो रही है। आप सोचिए हर घंटे 18 लोग मर रहे हैं इस देश में। 2020 की तुलना में 2021 में सड़क हादसे करीब 12.6% बढ़ गए हैं। 2020 की तुलना में 2021 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 16.9% बढ़ गए हैं। लेकिन 2020 से तुलना करना ज्यादा बेहतर है, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से कई महीने लॉकडाउन रहा और 2019 से अगर तुलना करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े क्या कहते हैं, आइए जरा आपको इस गोल मेज पर दिखाते हैं कि हमने क्या चीजें देखी। तो 2019 की तुलना में 2021 में जो हादसे हुए हैं वो ये कम हुए, ये जानकारी हमको मिली है। सड़क हादसों में 8.1% की कमी आई है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए जान तो जा ही रही है ना, एक भी जान जाए वो ज्यादा है। लेकिन इसी दौरान मरने वाले 1.9% बढ़े हैं, यानी कि एक्सीडेंट अगर आप तुलना करें तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन मौतें ज्यादा हुई हैं। तो अगर मौत ज्यादा हो रही है तो ये खराब बात है, ये रोड इमरजेंसी ही तो है। 2017 में सड़क हादसे में 1,47,913 लोगों की मौत हुई। 2018 में सड़क दुर्घटना में 1,51,417 लोगों की जान गई। 2019 में 1,51,000, 2020 में 1,31,000 लोगों की मौत हुई। 2021 में 1,53,000 लोगों को सड़क हादसे की वजह से जान गंवानी पड़ी। तमाम दावे और प्रयासों के बावजूद आंकड़ा पिछले 5 साल में लगातार 1,00,000 से ऊपर ही रहा है, कम नहीं हुआ है। करीब करीब 1.5 लाख, जो कि वाकई बेहद चिंता करने वाली बात है। सड़क हादसों कम करने को लेकर सरकार का वादा भी बहुत सारा हुआ है। अब आइए आपको एक जरूरी आंकड़ा यह भी बता दें कि एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है और उस डिक्लेरेशन के मुताबिक 2030 तक सड़क हादसों में मरने और घायल होने वालों की संख्या 50% तक कम करने की बात कही गई। अब संसद में नितिन गडकरी से सवाल पूछा गया था कि क्या ये तथ्य हैं सड़क हादसे में होने वाले, तो उनसे ये जानकारी मांगी गई कि भाई आप बताइए कि क्या तथ्य हैं, क्या जानकारी है, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल दीजिए। तो क्या उन्होंने दिया ये आपके सामने, फुल फ्रेम जाते हैं ताकि आपको दिख जाए, नहीं तो छोटा छोटा है। सवाल था क्या ये तथ्य है
कि सड़क हादसे में होने वाले 1,31,714 मौतों में ओवर स्पीडिंग की वजह से 70% जाने गई हैं। गडकरी साहब जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हां, सड़क हादसों को रोकने के लिए मंत्रालय ने रणनीति बनाई है जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और आपात देखभाल शामिल है। ये उन्होंने अपना सवाल का जवाब दिया। आगे बताते हैं आपको और क्या हुआ। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। सड़क हादसों को लेकर स्टैंडिंग कमिटी की भी एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, आइए आपको वो दिखाएं। दुनिया भर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 11% भारत में होती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 11%, आप ऐसे सोचिए कि 11% लोग भारत में मर रहे हैं सड़क दुर्घटना की वजह से। ये जो संख्या में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा है। हमारे देश में दुनिया की कुल गाड़ियां सिर्फ 1% हैं, सोचिए, और एक्सीडेंट का कंट्रीब्यूशन 11%। ब्लैक पॉइंट पर हादसे बढ़े हैं और इसे लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। दरअसल कई जगह सड़कों पर ब्लैक पॉइंट हैं जहां हादसे होते हैं। क्या होता है ब्लैक पॉइंट, आपको यह बता दें। अब इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, इससे पहले जो एक हादसा हुआ था जैसे साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में एक मौत हुई और उसके बाद यह बात सामने आई थी कि अचानक सड़क पतली हो जाती है, पुल शुरू हो जाता है। अब सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, आइए आपको बताएं कि वो क्या कहते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय जो है उनके अनुसार, ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं, 2022-2023 में सड़क की सुरक्षा के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई कि भाई सड़क पर फोकस किया जाए और ये ब्लैक पॉइंट जो है इससे तकलीफ ना हो। अब आपने भी कई बार देखा होगा हाईवे पे आप चल रहे हैं, एकदम से 3 लेन है, फिर खट से वो 2 लेन हो गई, या किसी ने लाके एक पत्थर रख दिया, या फिर एक फ्लाईओवर था, वो फ्लाईओवर पहले वाला छोटा था, उसके बगल में एक और बड़ा बनाया तो बीच में ऐसे वी शेप जैसा बना हुआ है। अब आप ओवरटेक कर रहे हैं, आपको वो वी दिख ही नहीं रहा। यही तो हुआ था ना साइरस मिस्त्री वाले मामले में, वो नहीं दिखा। तो इन ब्लैक पॉइंट्स को रोकने के लिए क्या किया जाए? अब सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है, ये बहुत ही अहम है। वहीं इस वजह से GDP पर भी असर पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, और आइए अब आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दिखा, सड़क हादसों की वजह से अर्थव्यवस्था की GDP पर 3-5% का असर पड़ रहा है। इतना फर्क। जो 75% गरीब परिवार हादसों का शिकार होते हैं उनकी आय में बाद में कमी देखी गई है, यह स्टडी है। अब देखिए हादसे और ये जितने गरीब लोग हैं या गरीब जो जिनकी आमदनी उतनी नहीं है, जाहिर सी बात है वो गाड़ी भी उस तरीके की अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें ये बड़े हाई एंड फीचर हैं। मर्सिडीज थोड़ी है हर गरीब के पास, उनके पास तो ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें फीचर्स नहीं है। अभी अगर आप फीचर्स वाली सस्ती गाड़ी भी लेने जाएं तो उसमें भी कई मॉडल होते हैं, और जो नीचे वाला मॉडल होता है जो गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है उसमें सेफ्टी के फीचर नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कितने लेवल पर यह प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। कुछ कुछ बदलाव किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि अब 6 एयरबैग कंपलसरी हो जाएगा। अब देखिए हादसे का कितना ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि इन हादसों के बाद भी सड़क पर संभल कर चलने को कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जो तैयार नहीं दिखते। जबकि ऐसे हादसों के बाद लोगों को जागरूक होना चाहिए क्योंकि जरा सी लापरवाही जान ले सकती है और पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और किसी और कहानी के बारे में आपको बताएं, हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ऋषभ पंत ठीक हों और फॉर्म में वापस आएं, क्योंकि बाल बाल बच गए और उनको जिंदगी एक बार फिर से मिल गई। और ये जिंदगी उनको किसने दी? उनकी गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ उनको शुक्रिया उस रोडवेज की बस के ड्राइवर्स और कंडक्टर को भी करना होगा जिनके सामने वो गाड़ी उछल करके आई और उन्होंने देखा और फिर वो उतर करके उन्होंने जान बचाई। उनसे बात की हमारे सहयोगी करमवीर ने। कहते हैं कि जाको राके साइयां तो मार सके ना कोई,
और इस बार इस हादसे में साइया की भूमिका निभाने वाले हमारे साथ हैं सुशील मान और परमजीत जी, जिन्होंने ऋषभ पंत की जान को बचाने में अहम भूमिका निभाई। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या हुआ था। सुनील जी, क्या हुआ था, क्या देखा आपने सबसे पहले? सबसे पहले ये देखा जी, हम हरिद्वार से आ रहे थे, हरिद्वार से जैसे हम गुरुकुल नारसन स्टॉपेज के पास पहुंचे, तो हमें स्टॉपेज के पास थोड़ी बस को स्लो करनी पड़ती है स्टॉपेज सवारी उठाने के लिए, यात्री उठाने के लिए। तो देखा हमें आगे नज़र तो रहती है भाई, गाड़ी दाएं बाएं दोनों आगे पीछे ध्यान रखता है। मैंने देखा भाई वो गाड़ी 300-400 मीटर पहले एन इंतर हो गया, ऐसे डोलती आने लग रही है लाइट दिल्ली साइड से। इतने में 100 मीटर आगे आई ना वो, सीधी वो रेलिंग कूदी। रेलिंग आपने देखी होगी जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, जहाँ से वो कूदी है, और वो कूदते एक सहते तीन पलटे खाकर वो सीधी बस की तरफ होगी, आमने सामने की। भैया तो भगवान ही बचा सकता है, जैसे ये फासला दीवार दिखा तो मोतर हम दिखाई दे रहे थे, ये भी अपना एस्पेक्ट हो गया कुछ। मगर देखी मैंने देखा कि क्या गाड़ी कनेक्टर साइड में चली गई थोड़ी ही, मैंने उसी टाइम क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में थी मेरी बस, मैंने उसको ड्राइवर साइड में कराया, ड्राइवर साइड करते ही वो साइड में निकल गई, निकलते आगे फिर वो ड्राइवर टकराई बोनट की साइड से, वो फिर ऐसे घूम गई गाड़ी। अच्छा, देखा तो मैंने गाड़ी में क्योंकि शीशे हैं दोनों साइड में, कनेक्टर साइड में ड्राइवर साइड में, मैं दोनों साइड में ध्यान रखता हूँ, उसमें गाड़ी से थोड़ी आग चिंगारी शुरू हो गई थी, मैं तुरंत गाड़ी से कूदया उस साइड से करिए परमजीत कनेक्टर साइड कूद गया, तो मैंने उसको ऐसे पकड़ा इसने परमजीत ने भी, उसके क्यों आधा भार था वो, आधा भार मतलब कि उसके उनके पैर भार थे, शरीर भार था। हाँ जी जी, अच्छा अच्छा, पैर अंदर थे गाड़ी में। और जैसे हमने उसको उठाकर वो फुटपाथ होती है बीच की उसके बीच में ले गया, मैंने ये तो डेड हो चुका है इसको क्या बचाना, तो इसके अंदर क्या पता बच्चे हैं लेडीज हैं इनको देखना, क्यों अंधेरा था उस टाइम बहुत अंधेरा था। तो मैंने देखा उसकी कितने बजे का, ये 5:14 की बात हो। लेकिन जो आपने गाड़ी में आग कब लगी थी? उसी टाइम लगी थी वो, जब वो तीन पलटे खाई ना उस टाइम उसकी गाड़ी में आग लग चुकी थी। अच्छा जी। और ऋषभ पंत की बॉडी में कहां कहां चोट? उसके चेहरे पे चोटे हैं, यहां खरोचे हैं, यहां मतलब ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही थी, पता नहीं था भाई चेहरे मुंह के अंदर से ब्लीडिंग आ रही है या सर में चोट है, खून आ रहे थे, पीछे चोटे थी उसको, एक पैर फ्रैक्चर था उसका शायद, हमारे को तो लगा टूट गया। 15 मिनट के अप्रोक्सीमेट एम्बुलेंस आ गई थी, तो उसको सामान और उसको जो उसका सामान था पैसे थे इकट्ठे करके। गाड़ी में क्या क्या था उसकी? ये नहीं पता, गाड़ी में कुछ नहीं पता सर, जो बार मिला ना वो 5-6 हजार रुपए थे, और वो चुगने लग रहे थे पैसे वहाँ के जो लोकल है, आगे थे उनसे लेके हमने वो पैसे ऋषभ पंत के हाथ में रख दिए थे, और उसका एक सूटकेस था जिसमें उसकी कपड़े थे थोड़े बहुत, कुछ खिंड चुके थे वो, हमने एम्बुलेंस में रख दिए थे। तो देखिए, तकदीर ने ऋषभ पंत को बचाना था, शायद उनको अभी भारत के लिए और क्रिकेट खेलना है, विकेट के पीछे उछल उछल कर फिर कैच पकड़ेंगे ऋषभ पंत, घूम घूम कर छक्के लगाएंगे, ताकि वो दोबारा से क्रिकेट के प्रेमियों को रोमांचित कर सकें, और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि ऋषभ पंत स्वस्थ हों और दोबारा से क्रिकेट खेलें। NDTV के लिए मैं करमवीर सिंह चिकारा हरियाणा से। और आइए अब बात करते हैं प्रोफेसर गीतम तिवारी, आप रोड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। गीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बाल बाल बच गए ऋषभ पंत, अब इसको आप थोड़ा सा गुड लक मानिए, किस्मत मानिए कि कुछ लोग वहां पर थे जान बचाने के लिए, ये ड्राइवर और कंडक्टर जिनका भी इंटरव्यू चला, उनकी गाड़ी में फीचर्स बहुत अच्छे थे, महंगी गाड़ी थी, लेकिन हर आदमी के पास ऐसी गाड़ी नहीं होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रोड सेफ्टी को लेकर के हिंदुस्तान अभी कहां है? मतलब हिंदुस्तान मेरे ख्याल से तो अभी काफी पीछे है। अभी हम जो जैसे अगर हम बाहर के देशों से तुलना करें, तो जो उनके यहाँ करीब करीब 100 साल पहले या 60-70 साल पहले जिस कंडीशन में थे, अभी हम लोग वहीं तक पहुंच पाए हैं। तो मुझे जैसे अभी मैंने जो पूरा डिस्क्रिप्शन सुना ऋषभ पंत के एक्सीडेंट का, तो एक चीज मुझे तुरंत स्ट्राइक करी कि जैसे उन लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि गाड़ी चक्कर खाके जैसे उलझ के और दूसरी तरफ पलटी। तो हम लोगों ने जितना भी रोड सेफ्टी ऑडिट किया है हाईवेज का, और बार बार ये हम लोगों ने NHAI के ऑफिशियल से डिस्कशन किया है कि किसी भी हाई स्पीड रोड पर ऊंची मीडियन नहीं बना सकते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ है। जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि जब आप 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर स्पीड के लिए रोड बना रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह की ऊंची मीडियन नहीं बना सकते हैं। इसीलिए
ये सबसे अहम वजह है जिसकी वजह से टायर बर्स्ट होता है और जिसकी वजह से ये अकेली गाड़ी जो है पलटा खाती है। लेकिन अभी भी इस नहीं पर हम मैम, लोगों फिर ये ने बताएं, देखा है ऊंची कि मीडियन का मतलब ये हुआ कि आपको बीच में डिवाइडर पे पत्थर नहीं रखने हैं, बहुत नहीं ऊंचा नहीं उसमें कोई डिवाइडर स्ट्रक्चर नहीं डिवाइडर हो? का डिजाइन ही अलग होता है। हाँ डिवाइडर जो है जो जब बहुत हाई स्पीड रोड के लिए बनाया जाता है तो वो उसमें कोई भी 4 इंच से ऊंची जगह नहीं बनाते हैं। उसको सबसे अच्छा तरीका होता है या तो उसको डिप्रेस करते हैं या उसको बिल्कुल उसी लेवल पे रखते हैं और उसके बीच में आप न्यू जर्सी बैरियर या आप किसी तरह का क्रैश बैरियर लगाते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग अभी कर रहे हैं कि हम लोग 200-250 सेंटीमीटर ऊपर उसको उठा देते हैं और उसके ऊपर बैरियर लगाते हैं तो वो ये डिजाइन ही गलत है। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी काफी बार हाईवे अथॉरिटी से डिस्कस किया है कि ये गलत डिजाइन है, पर प्रोफेसर ऐसा साहब, नहीं ये कर तो सकते। जितने नए हाईवे बन रहे हैं सब ऐसे ही बन रहे हैं, ऊंचे ऊंचे उसमें अब बैरियर लगे हुए हैं? हाँ तो अब जो है मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन निकाला है कि अब किसी भी नए हाईवे पे इस तरह के मीडियन नहीं बनेंगे। और आपने देखा होगा शायद अभी यमुना एक्सप्रेसवे में उन लोगों ने डिजाइन चेंज करने की कोशिश करी है वो भी ऑडिट के बाद, तो उन्होंने जो हाई मीडियन है उसको हटाया तो नहीं है लेकिन उससे बिल्कुल लगा हुआ उन्होंने क्रैश बैरियर दोनों तरफ से लगा दिया है। तो ये गाड़ी अकेली गाड़ी उछलने का सबसे मतलब जो हमें बार बार हमें इस तरह के हादसे दिखाई पड़ते हैं रोड हाई एक्सप्रेस वे पे हाई स्पीड रोड्स पे उसकी काफी वजह होती है गलत रोड डिजाइन। और जिसमें एक ये जो मीडियन डिजाइन है ये बहुत ही अहम रखती है। आपने तो एकदम ही दूसरा नई आप बात बताई, क्योंकि अब तक नहीं तो सारी नहीं बात ये तो सारी बात अब तक ये हो रही थी कि गाड़ी ओवर स्पीडिंग एक वजह हो सकती है, नहीं नहीं गलत देखिए पता ओवरटेक एक है वजह। आजकल क्या है, जैसे आपने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात करी जी तो जी उसमें सारे एक्सपर्ट्स और सारे ही स्टेक होल्डर्स ने ये माना है कि जो विजन जीरो या सेफ सिस्टम्स अप्रोच कहते हैं उसमें आप ये मानकर चलिए कि कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। ड्राइवर जितना भी उसको आप जागरूक कहिए या उसको जितनी भी ट्रेनिंग हो कभी ना कभी गलती हो सकती है। तो पूरी रोड डिजाइन हमें ऐसी बनानी है कि जिसने गल्ती करी है उसकी वजह से कम उसकी मौत ना हो और सीरियस इंजरीज ना हो। हादसे होंगे लेकिन उसमें मौत और सीरियस इंजरीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैम एक और भी आंकड़ा है मेरे ख्याल से, आप उसके बारे में और उल्लेख कर सकती हैं कि हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट और उनसे मौतें, अगर आप उनके आंकड़े देखें, और जो हाईवे से उतर करके अंदर की जो सड़कें होती हैं, अंदरूनी सड़कें, उन पर जो हादसे होते हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि वो जो नॉन हाईवे एक्सीडेंट्स हैं और उनमें जो मौतें होती हैं वो भी या तो लगभग बराबर है या ज्यादा नहीं ही है। नहीं तो मैं आपको अगर जैसे बताएं देखिए अगर रेट देखें पर किलोमीटर तो एक तो सबसे बड़ा दोनों में फर्क ये है कि जो हमारे एक्सप्रेस वेज पे हो रहे हैं उसमें 10 से 15% ही खाली पेडेस्ट्रियंस की डेथ होती है। ज्यादातर जो जिनकी मौत हो रही है या तो वो कार वाले कार चालक हैं या 2 व्हीलर चालक हैं या फिर बस या ट्रक के हैं। और इसमें सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट्स हमें हाई स्पीड रोड पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बाकी सड़कें हैं जिनको आप कहिए MDR कहिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं या स्टेट हाईवेज हैं या नेशनल हाईवेज हैं उसपे कम से कम 30 से 40% पेडेस्ट्रियंस की डेथ होती है पैदल चलने वालों की। और इसी तरह 30 से 40 ये जो आपके 2 व्हीलर्स हैं मोटराइज 2 व्हीलर्स उनकी डेथ होती है। तो जी एक तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। तो जो आप बता रहे हैं कि बहुत हाई एंड कार्स का फर्क तो मतलब भारत में इसमें बहुत कम पड़ेगा क्योंकि जो लोग कार के अंदर हैं उनकी मुश्किल से पूरे टोटल में देखिए तो दस जी प्रतिशत डेथ्स ही कार वालों की होती हैं। समय समय मैम थोड़ा सा कम है, एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जल्दी से। ये देखिए, ये अक्सर देखना देखा जाता है जब कोई सपोज मिडिल क्लास आदमी बेचारा बड़ी मुश्किल से बाइक से चार पहिए का सफर तय करता है, तो जब वो अपने मॉडल देखने जाता है तो उसमें जो अच्छे बढ़िया सेफ्टी फीचर वाले मॉडल हैं वो अक्सर महंगे होते हैं, हाँ ये और सही है बात। उनको उनको हाई एंड लग्जरी फीचर्स के साथ जोड़ करके सेफ्टी को भी बहुत महंगा कर दिया जाता है।
और इस चक्कर में होता क्या है कि बेस मॉडल आदमी ले लेता है जिसमें ना तो अच्छा रेडियो होगा या कैसेट प्लेयर होगा, उसमें सेफ्टी के फीचर भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके ऊपर भी काफी हम लोगों को कार मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जोर देना है, क्योंकि मिनिमम सेफ्टी फीचर्स के लिए आपको दाम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और जब इस तरह के रेगुलेशंस होंगे तो ये मैन्युफैक्चरर्स इजीली कर सकते हैं। ये आपने बड़ी खूब कही प्रोफेसर गीतम तिवारी, बहुत कुछ सीखने को मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। प्रोफेसर गीतम तिवारी थी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कुछ बताई। तो गेट वेल सून ऋषभ के संदेश के साथ ये जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है इसको हम यहाँ पर रोकते हैं। तो खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दो बड़ी हस्तियों का निधन भी हो गया। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन। प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ को अंतिम विदाई देने गांधीनगर पहुंचे। मोदी ने अपने भाइयों के साथ माँ हीराबेन को कंधा दिया और मुखाग्नि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ हीराबा को दी अंतिम विदाई। शुक्रवार सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार तब उपस्थित था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उद्योगपति गौतम अडानी सहित कुछ जानी मानी हस्तियां भी। प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, याद किया एक सदी तक चलती रही मां। हीराबा मेहसाणा के विसान सागर में पैदा हुई थी। दामोदर दास मोदी से उनका विवाह हुआ, एक बेटी हुई, पांच बेटे। छह बच्चों में प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर है। माँ से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा। वे हर जन्मदिन पर माँ के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेते। इस साल अपनी माँ के 99 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि कितना मुश्किल उनकी माँ का बचपन रहा था, बहुत कठिन था माँ का जीवन। प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद कैलिफोर्निया के फेसबुक हेडक्वार्टर में अपनी मां के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री की आंख में आंसू आ गए। मैं दूरी कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर अपने जीवन मूल्यों के लिए अपनी मां को श्रेय दिया है, चाहे वो गरीबों की सेवा हो या भ्रष्टाचार का विरोध हो। नवंबर 2016 में ये वीडियो सामने आया। नोटबंदी के बाद 95 साल की हीराबा गुजरात के गांधीनगर के एक बैंक के बाहर व्हीलचेयर से आईं। उन्हें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने थे। वो लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। प्रधानमंत्री की मां के देहावसान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। दूसरे दलों के नेताओं ने भी, विदेशों से भी श्रद्धांजलि संदेश आए, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा के मुताबिक कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 1923 में जन्मी हीराबा ने भारत में अंग्रेजों को राज करने से लेकर अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। गरीब तबके से आने के बावजूद संघर्ष कर उन्होंने अपने बच्चों को हौसला दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब भी गुजरात आते थे अपने माँ के लिए समय निकालते थे, लेकिन इस बार वो गुजरात उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे और शायद ये कमी उन्हें हमेशा खलेगी। गांधीनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 साल में निधन हो गया है। ब्राजील के साओ पाउलो के एक अस्पताल में पेले का इलाज चल रहा था। वो 2021 से कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की शिकायत पाई गई थी। पेले ने ब्राजील के लिए 58, 62 और 70 में विश्व कप जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था और शायद इसीलिए उनको प्यार से ब्लैक पर्ल कहा जाता था। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। आप सबको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।